जो नस से पैदा करने वाले पदार्थ है वो पदार्थ कितना हद तक नुकसानदेह हो सकता है, जैसा हम फेस कर रहे हैं कि ओपियम यानी ओपियम के साथ साथ इन तमाम जो यानी नशीला पदार्थ है ये हमारे ब्लड में आकर के सबसे पहले केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को पहुंचता है और उसे तमाम शरीर के अंग है वहां तक जाने के बाद सभी अंगों को धीरे 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 क्षतिग्रस्त करना शुरू कर देता है। ऐसा यदि लगता है कि एक दो दिन में इसका प्रभाव उत्पन्न हो जाए तो ऐसा नहीं होता है, यानी शरीर में जब ऐसा सेवन करेंगे तो होते रहता है, लेकिन ऐसा मत सोचें कि एक दिन में इसका रिजल्ट बुरा है, दो दिन में रिजल्ट बुरा है। यदि एक और दो दिन में रिजल्ट इसका बुरा आता तो सोचे कि इसे बनाने वाली कंपनी नहीं चल पाती, उस कंपनी के नाम पर लोग यानी घिनौना रूप समझता, उस कंपनी को यानी नाम लेना उचित नहीं समझता। एक दो दिन में नहीं कई वर्षों तक लगातार सेवन करने से इसका बुरा प्रभाव आ ही जाता है। जैसा कि मान लीजिए कि कोई गलत वस्तु का सेवन हम बाजार लेवल पर करते हैं तो ऐसा थोड़ा होता है कि शरीर में साइड इफेक्ट उसका तुरंत आ जाता है, आएगा यानी धीरे धीरे आएगा, हरकतें शुरू हो जाती है लेकिन धीरे धीरे होती है जो पता लोगों को नहीं चलती है। तो इस तरह से एक पदार्थ शरीर में आने के बाद प्रॉब्लम खड़ा करता है और प्रॉब्लम जब खड़ा करता है तो विभिन्न तरह का इसमें दर्द भी शरीर में बनती है। जैसे कुछ इसमें दर्द है सोमैटिक पेन जिसको कहते हैं, जैसे सोमैटिक पेन की जब मैं बात करूं तो सोमैटिक जो पेन होती है ये पेन हमारा स्किन और मसल से संबंधित है। जब नशा करिएगा तो नशा के जब आदि लोग हो जाते हैं तो सोमैटिक पेन हमारे बॉडी में बनना शुरू होती है, क्या मांसपेशियों और त्वचा से संबंधित ऐसे दर्द शुरू होती है। और यानी ऐसे पदार्थ को लेने के बाद लोग तो नशा में सो जाते हैं लेकिन उसका बुरा रिजल्ट क्या आता है वो यानी बाद में पता चलता है कि उसका विभिन्न ऑर्गन जैसे ऑर्गन में उनका ए जल्दी बताइए शरीर का इंपोर्टेंस पार्ट लिवर है, साथ ही साथ उसका यूरिनरी ब्लैडर है, लंग्स हैं, साथ साथ इंटेस्टाइन है, स्टोमेक और इसके अतिरिक्त उनका किडनी तक क्षतिग्रस्त हो जाता है और अंत में उनको जान गंवाना पड़ जाता है। तो यानी जानेंगे कि अक्सर इसका यानी परिणाम उल्टा ही आता होगा, तब तो हमारे एक्ट में भारत सरकार के अलावा अंतरराष्ट्रीय जो अनुच्छेद है उसमें भी वर्णन की गई कि इसका सजा क्या होगी। जैसे इस पर आप यानी इसके साथ आप संबंधित हैं तो भी आपको सजा मिलेगी, आप इसे खरीदते हैं तो भी सजा मिलेगी, आप इसे बिक्री करते हैं तो भी सजा मिलेगी, और इसका परिवहन माध्यम से आवागमन का सुविधा उपलब्ध कराते हैं तो भी आपको यानी सजा मिलेगी। नरकोटिक्स और ट्रांस का इन तमाम क्रिया करने पर नियंत्रण होता है, इसलिए समझना है कि बताइए ऐसे पदार्थ का ना तो इस्तेमाल करें ना परसेस करें और ना तो यानी इसमें सेल और ट्रांसपोर्ट का काम करें, ताकि यानी हमारा यानी भी फ्यूचर बना रहे और लोग का भी फ्यूचर बरकरार रहे। सर चांसेस फिर लगता होगा कि आखिर ऐसे पदार्थ बनता क्यों है, ऐसा लगता होगा ऐसा पदार्थ इसलिए बनता है तो देखिएगा मैं यहाँ पर वर्णन कर रहा हूँ कि सर चांसेस फॉर साइंटिफिक यानी यह वैज्ञानिक पद्धति के लिए की गई है एवं मेडिसिनल पर्पस यानी मेडिसिनल पर्पसेस यानी मेडिसिनल पर्पसेस करने का मतलब कि इसे दवाइयां बनाई जाती है जो विभिन्न तरह के रोगों को ठीक करने और विभिन्न तरह के रोगों से निजात पाने के लिए तत्काल होने वाले दर्द और पीड़ा से बचने के लिए ऐसे पदार्थ का तैयार की जाती है। और यहाँ पर भी मैंने टेबल बनाकर मैंने बताया है कि यदि कोकीन कोकीन की मात्रा 2 ग्राम है स्मॉल क्वांटिटी कहलाएगा, जब यह 100 ग्राम है तो कमर्शियल क्वांटिटी में इसको रखा जाएगा। यदि कोई व्यक्ति यानी कोकीन 2 ग्राम रखता है तो उसको कोई धारा कोई सजा नहीं होगी, 2 ग्राम भारी रहता है इसका मात्रा नहीं होती है, कोई अन्य या थोड़ा सा यानी कोई चाहत में वो इस्तेमाल करता हो या जो भी हो यानी 2 ग्राम कोई भारी क्वांटिटी नहीं, इसलिए इसका स्मॉल क्वांटिटी में रखा गया, उस व्यक्ति को पुलिस पकड़ती है प्रशासनिक कार्रवाई होती है तो उसे छोड़ दिया जाता है। जबकि कमर्शियल क्वांटिटी में यहाँ 100 ग्राम आया है तो 100 ग्राम की मात्रा में यदि पकड़ाता है ये सब्सटेंसेस तो 100 ग्राम के तहत इसको यानी बहुत बड़ा सजा भुगतना पड़ता है और जेल तक के जाना पड़ता है, साथ साथ उसका दंड भी भुगतान पड़ता है। तो कोकीन का 2 ग्राम मात्रा स्मॉल क्वांटिटी है जबकि 100 ग्राम मात्रा कमर्शियल क्वांटिटी है। इस प्रयोग तौर पर या साइंटिफिक रीजन में या फिर मेडिसिनल पर्पस के माध्यम से इन तमाम पदार्थों का इस्तेमाल कीजिए, इस पर कोई रोक नहीं, जबकि इसका बुरा प्रभाव यदि आपके ऊपर है तो साथ ही साथ देखिए मस्तिष्क प्रभावित रहती है, कुछ व्यक्ति इतना हावी हो जाते हैं इसका कि नस में इंजेक्शन भी हीरोइन का लगाना पड़ता है, यानी हीरोइन का उन्हें इंजेक्शन लगा करके नशा पैदा करवाना होता है शरीर को। आप बताइए कितना विभिन्न अंग सुरक्षित रहेंगे या विभिन्न अंग क्षतिग्रस्त हो जाएंगे, निर्णय लेने की बात है। तो आज नरकोटिक्स ट्रांस में मैंने इस तरह का विश्लेषण किया, आप इस तरह के तमाम हमारे वीडियो आप देखते रहेंगे लास्ट तक देखेंगे, और मैं फिर से आग्रह करता हूं कि हमारे चैनल को यानी सब्सक्राइब यानी जरूर करें और करवाते रहें। आज तक का इतना ही, दीजिए इजाजत, धन्यवाद।